भागलपुर की पूनम चौधरी पिछले 7 सालों से मालवाहक वाहन से लेकर ऑटो रिक्शा चलाकर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी उठा रही है, बल्कि अपने बीमार पति के इलाज के साथ साथ अपने एक बेटे और एक बेटी को शिक्षा दिलाने का काम कर रही है। पति के बीमार पड़ने के बाद घर की माली हालत नाजुक होने पर पूनम चौधरी ने स्वयं कमाने का बीड़ा उठाया और पहले तो 5 सालों तक छोटे मोटे मालवाहक वाहन को चलाया और फिर 2 सालों से ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का लालन पालन करने की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है। वो प्रतिदिन जगदीशपुर से यात्रियों को लेकर भागलपुर तक आती है और फिर भागलपुर शहर से ऑटो रिक्शा चलाने के बाद शाम को जगदीशपुर जाने वाले यात्रियों को लेकर जाती है। सामाजिक ताना सुनने के बावजूद वो अपना हौसला नहीं खोई और आज भी अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रही है। पूनम चौधरी जैसी महिला नारी सशक्तिकरण और पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कर मिसाल पेश कर रही है। 2015 चला रहे हैं, सर गरीबी स्थिति के कारण चला रहे हैं। मेरे हस्बैंड अक्सर बीमार रह रहे हैं और बच्चे सब छोटे हैं, 9 साल का लड़का है, 15 साल की लड़की है। नहीं सर, पर परेशानी तो खैर ज़िंदगी में हर मोड़ पे है सर, छोटा मोटा परेशानी से तो क्या कहना है। हम ड्राइवर को देखते देखते सीख गए जी सर, हम मेरा लाइसेंस है। भागलपुर टू जगदीशपुर 5-6 ट्रिप चला लेते हैं। पति को सुनबहरी वाला बीमारी हो गया है, मतलब वो पैर फेंक करके चलते हैं, उनका सूना पर उनको ज़्यादा धिपा हुआ या चोट भी लग जाएगा उनको पता नहीं चल। उनको लगभग मतलब ये बीमारी था बहुत पहले से, लेकिन हमको पता 5-6 महीना से चला। बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, एक 5 में है, एक 10th से निकल। हम तो यही कहेंगे कि परिश्रम करना कोई गुनाह नहीं है और जहाँ तक है ये दुख और सुख तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ में भी लगा हुआ था, उन्हीं को देखते हुए उन्हीं के प्रेरणा से आज हम यहाँ पर चल रहे हैं।